अब चिंता को तो कहा जाता है चिता के समान है, लेकिन बाबा कहता नहीं, जैसे वो शुभ चिंतन था ऐसे शुभ चिंता, ऐसी चिंता भी होती है जो आपको अन्य चिंताओं से मुक्त करती है। जैसे आपको बाबा कहते हैं कि एक बंधन बांध लो तो आपके सारे बंधन छूट जाते हैं, वो कौन सा बंधन है? हमारा एक दिन आता है ना, कौन सा है? थोड़ा बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा आप सुन रहे हैं। कौन सा त्योहार है हमारा? रक्षाबंधन। तो एक बंधन बांधने से अन्य बंधनों से छूट जाते हैं, तो उसको बंधन कहेंगे या बंधन मुक्त करने वाला कहेंगे? इसी तरह से अब सोच चिंतन की बजाय हमें क्या करना है? सोच चिंतन क्या हम करते हैं? किसी को ये पता है कि मेरा टाइम कभी भी पूरा हो सकता है? संगम युग, कई तो संगम युग गिनते हैं, बड़े रॉयल ढंग से पूछते हैं कि जी हमें तो पूरा निश्चय है परिवर्तन होने वाला, लेकिन लोग हमसे पूछते हैं ना, उनको क्या पता है कितना टाइम बचा? इसको बाबा कहते हैं रॉयल क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना है लेकिन दूसरे का नाम लेकर पूछ रहे हैं। तो आप बताइए कि हम सचमुच, दो शब्द हैं, एक है चाहिए और एक है करना, एक है ज्ञान और एक है स्वरूप बनना। तो बाबा कहते हैं सो चिंतन का ज्ञान तो है कि देखो श्वास पर भरोसा नहीं, मेरा टाइम कभी भी पूरा हो सकता है, और जितने हमारे पूर्वज थे जो पास विद ऑनर हुए उन्होंने टाइम से पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले मातेश्वरी जी ने कर लिया, अन्य हमारे आदि रत्नों ने कर लिया, ब्रह्मा बाबा ने भी 1969 में कर लिया। तो हम क्या ऐसे स्टूडेंट हैं जो जब लास्ट घड़ी आ जाए स्टॉप राइटिंग कहें उस वक्त तुम्हारा पेपर पूरा हो, पास भी तो ऑनर नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है कि हमारा सोच चिंतन ये तो चलता है, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें अमृत वेले को महत्व देना चाहिए, हमें सभी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, हमें इतनी आत्माओं को संदेश देना है, इतनी आत्माओं को संदेश देना है, देना तो चाहिए, नहीं तो कैसे कार्य पूरा होगा? हम जा ही नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा को भी हमने रोक रखा है, वो भी हमारे स्नेह में गेट नहीं खोल रहे हैं। फिर दुनिया में दुख डे बाय डे बढ़ रहा है, प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है, तो हमें उनकी दुख अशांति को भी खत्म करना है। लोग कहने लगे हैं आजकल, आपको पता है जरा सी बात में लोग जीव घात कर लेते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं, किसान सुइसाइड कर रहे हैं, किसी को तंग किया जा रहा है, आजकल सुइसाइड बहुत हो गई, इतना दुख है। उस दुख के हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि अगर हम कार्य पूरा नहीं करेंगे तो दुनिया और लंबी होगी, कलयुग और दुखदायक है, सब हमको है। तो हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सोच चिंतन तो चलता, लेकिन चिंता का रूप हो जाए और हम उसके स्वरूप बन जाए कि आखिर हमें करना क्या है, वो नहीं करते। इसलिए बाबा कहता है उसमें क्या वजह है, मोटी वजह क्या है, क्या कारण है कि हम अलबेले हो जाते, यानी निश्चिंत हो जाते। बाबा कहता है निश्चित निश्चिंत है, जिसको बाबा पर पूरा निश्चय है उसको कोई चिंता नहीं है, और वो हर बात में निश्चिंत है। मुरली में ड्रामा पर आज भी था कि जो ड्रामा को पक्की तरह खड़ा वो निश्चिंत है, कोई बात नहीं है, ये हुआ था।